स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। यहाँ पे क्लास 9 के बच्चों के साथ आज यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्विज स्टार्ट होता हुआ। आप सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल बताएंगे यहाँ पर लेसन 1 पालमपुर गांव की कहानी से। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? खेती। नेक्स्ट, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? 75%। आगे बताएंगे खरीफ ऋतु की अवधि क्या है? खरीफ ऋतु जो खरीफ फसल है उसकी अवधि क्या है? जून से अक्टूबर। रबी फसल की अवधि क्या है? नवंबर से अप्रैल। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? 150 परिवार। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी बार फसल उगाते हैं? 4। पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार। उत्पादन के मुख्य नहीं बताए, गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? रबी फसल। आगे बोलेंगे खरीफ फसल किस मौसम में होता है? वर्षा ऋतु। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? नलकूप। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 2। पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं? 25%। जीविका चलाने के लिए कितने कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं पालमपुर में? 2। आगे बताएंगे रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर। नेक्स्ट, रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पाद बेचा जाता है? रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पाद बेचा जाता है? अधिशेष कृषि उत्पाद। गैर कृषि क्रियाएं का एक उदाहरण दीजिए। गैर कृषि दूध का बेचना। बताएंगे गरिमा गैर कृषि क्रिया का एक उदाहरण बताइए। पशुपालन। बताएंगे विनिर्माण कार्य। विनिर्माण कार्य जैसे? जैसे टोकरी बुनाई, चटाई बुनाई, जो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है। पशुपालन भी कृषि में ही आता है, ठीक है। दूध उत्पादन, पशुपालन और खेती करना प्राथमिक क्रिया में आता, मतलब कृषि क्रिया में आता है। पशुपालन को भी कृषि क्रिया में गिना जाता है ना। आगे बताइए बरसात में उगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? नीतू, बरसात में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत कामगार गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए हैं? 25%। कितने प्रतिशत है? 24%। भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? 80%। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर। कौन संसाधन, ठीक है, मतलब कौन उस संसाधन को क्या कहते हैं जो उत्पादन के दौरान खत्म हो जाती है? उस पूंजी को क्या कहते हैं जो उत्पादन के दौरान खत्म हो जाती है? उस पूंजी को क्या कहते हैं जो उत्पादन के दौरान खत्म हो जाती है?